एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने यूपी लाइव 100 न्यूज पर। दुनिया में चौथे स्तंभ तार तार पत्रकारों के साथ की मारपीट, क्या कन्नौज आरपीएफ और जीआरपीएफ पुलिस ने पत्रकारों पर किया लाठीचार्ज, मणिपुरती के अनेक में पत्रकारों को भी पीटा। आपको बता दें कि एक गरीब चाय की दुकान में युवक अपने घर का गुजारा कर रहा था तो वही बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट पाल रहा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी महंगाई में कैसे घर का गुजारा हो पाता है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने का पलीता लगा रहे हैं। वहीं रेलवे पुलिस कर्मी हद तो तब हो गई कि जब चाय वाले ने वसूली के चक्कर में युवक को जमकर पीट रहे थे तो आरपीएफ कर्मी कवरेज करने पर पत्रकारों से अवरता पर उतारू हुए। वही सिपाही पत्रकार द्वारा आरपीएफ कार्यालय में शिकायत करने पर पूरा आरपीएफ और जीआरपीएफ स्टाफ हुआ उग्र। कैमरे के लिए कलमकारों को दे दौड़ाकर कैमरा छीनने का प्रयास भी किया। तो वहीं इस प्रकार प्रकरण आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि आरपीएफ और जीआरपीएफ कर्मी ने पीटा। और आपको अवगत कराना है कि कन्नौज में बार बार ऐसी घटना होना सीधा चौथे स्तंभ पर हमला है। तो वहीं पूरी घटना पत्रकारों के कैमरे में कैद हो गया। अब देखना ये होगा कि आरोपियों पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। देखिए खास रिपोर्ट संदीप तिवारी के साथ। Yeah.